स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इन वन टी टी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सक्षमता परीक्षा से संबंधित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। और जो शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई सूचना जो जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षक जो हैं उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाएगा, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अपना ब्लॉक, अपना जिला और विद्यालय को चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ये खुश नसीब शिक्षक कौन कौन से हैं जिन्हें ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, आपके जिला से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित सूचना को। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र में महिला व दिव्यांगों को ऐच्छिक पोस्टिंग जो है वो दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का जो जवाब है वो आया है, बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के दौरान महिला और दिव्यांगों को ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाएगा जिससे वो आसानी से स्कूल में आवाजाही कर सके। ये बात सुनील कुमारशी ने प्रो नवल किशोर यादव द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जिसके रिपोर्ट आने के बाद सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 1.5 महीने में निर्णय लिया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा एक ऐसा विभाग है, शिक्षा विभाग, जिसमें महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं। और ये जो बहाली की गई है अदर अदर जिलों में या दूर दूर पोस्टिंग ब्लॉक में की गई है, जिससे शिक्षकों को बहुत ही बड़ा कठिनाई आ गई है सामने उनके समक्ष। इसी को लेकर संसद भवन में भी चर्चाएं जो है वो जोरों शोरों पे है और कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें हर एक प्रश्न का हल किया जा रहा है शिक्षकों को लेकर। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र महिला और दिव्यांगों को सहूलियत दी जाएगी और उनकी जो पोस्टिंग है वो ऐच्छिक होगी, जो कि शिक्षा विभाग की बहुत ही अच्छी पहल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।